सो गाइस ये है अपने महिंद्रा की थार रोक 2024 मॉडल, और जो कि अपने रिसेंटली में लॉन्च हुई है 4x2 के अंदर ये आती है। सो गाइस ये जो हमारी गाड़ी है ये अपनी है AX5 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक टू व्हील ड्राइव के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, ये टॉप मॉडल की वीडियो हम ऑलरेडी बना के चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके रिव्यूज के बारे में और इसके डेट डिटेल्स के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसके मिरर है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो उसके मिरर है वो काफ़ी बढ़िया मिरर आपको हार्ड ग्लास के साथ आपको इसके जो मिरर है वो आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है, जो कि आपके ग्रेइश कलर के आपको वाइपर, आपको काफ़ी प्रीमियम वाइपर आपको इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के जो बोनेट के बारे में, जो कि काफ़ी बढ़िया हार्ड मेटल के साथ आपको इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। जो कि पहले जो थार आती थी उसके बोनेट से अब इसका जो बोनेट है वो ज़्यादा लंबा आपको मिल जाता है, मतलब लेंथ ही मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है थार के ऊपर। ठीक है, साथ ही बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको DRL+ LED प्रोजेक्टर लाइट इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिलने वाली है। साथ ही बात करते हैं ग्रिल के बारे में, यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाती है रेड कलर की, कुछ इस तरीके की पहले की गाड़ी से ज़्यादा बड़ी ग्रिल आपको इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट का जो बोनट है वो भी आपको मैट ग्रे कलर का आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। साथ ही बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में, यहाँ पर आपको हेडलाइट के साइड में देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के विद हजार लाइट फीचर के साथ। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं, LED फॉग लैंप कुछ इस तरीके के, और नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलने वाला है। जो उसकी डायमेंशन है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया डायमेंशन इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिल जाती है, ठीक है, जो कि अपने ब्रेकर वगैरह से इंडियन रोड पे ऑफ रोडिंग के तौर पे आप आराम से इस गाड़ी के अंदर कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं इसके लेफ्ट प्रोफाइल के बारे में, तो लेफ्ट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं हैलोजन बल्ब के साथ। और यहाँ पर जो यहाँ पर फ्रंट का जो फेंडर है एक तरीके का आप मडगार्ड भी कह सकते हो टायर का, ठीक है, वो आपको ब्लैक एंड ग्रेइश कलर का कुछ इस तरीके का प्लास्टिक फाइबर का आपको मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया। साथ ही बात करते हैं इसके अलॉय के बारे में, जो कि आपको डायमंड कट अलॉय कुछ इस तरीके के आपको महिंद्रा की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। और जो इसके अलॉय है वो आपको 18 इंच के अलॉय इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर ये अलॉय आपको 19 इंच के मिलते हैं, और ये वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय इस बाइक गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही बात करते हैं इसके टायर के बारे में, तो जो उसके टायर है वो आपको वेंडर के आपको टायर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर MRF कंपनी के, जो कि आपको जिसका साइज यहाँ पर आप देख सकते हो 255/65 R18 के आपको फ्रंट के टायर कुछ इस तरीके के इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और फ्रंट में आपको यहाँ पर डिस्क मिल जाती है जो कि आप देख सकते हो, और टायर के राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लैडर मिल जाती है, ये भी काफ़ी बढ़िया मजबूत आपको लैडर मिलने वाली है, ताकि भाई ज़्यादा गाड़ी जिसको ऊँची लगे वो अपना पैर रख के अपने गाड़ी में बैठ सकता है। और ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एंटीना मिलने वाला है कुछ इस तरीके का इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाइस जैसे अपने पुरानी गाड़ियों में देखा हुआ आपने पीछे की तरफ होता तो इसका एंटीना आपको राइट साइड में मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो उसके मिरर है उसके ऊपर आपको थार की बैजिंग मिलने वाली है, ब्लैक कलर की कुछ इस तरीके के मिरर मिलने वाले, काफ़ी बढ़िया। और इस गाड़ी के जो डोर है वो आपको अब 4 डोर्स 5 डोर्स के साथ ही अब गाड़ी आने वाली है, तो इसके जो डोर है वो कुछ इस तरीके के आपको मिलने वाले हैं। ये मैं कर रहा हूँ अभी लेफ्ट प्रोफाइल के बारे में बात, जहाँ पर आप देख सकते हो, और जो ड्राइवर के साइड वाली सीट है उसके यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरीके का आपको हैंडलिंग खोलने की मिल जाती है, और डोर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको थार की बैजिंग यहाँ पर आपको ग्रेइश कलर की इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आपको छोटा सा सामान रखने का, फोन रखने का कैबिन मिल जाता है। डोर विंडो ओपन करने के लिए यहाँ से एक फीचर्स दिया गया, बटन मिल जाता है। क्रोमिक कलर में यहाँ पर आपको डोर अनलॉक एंड अनलॉक का यहाँ पर मिलने वाला है, और अपना डोर ओपन करने के लिए भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। कैबिन आपको छोटा सा यहाँ पर साइड में डोर के साथ में दिया गया है, सामान वगैरह फाइल वगैरह रखनी हो और ग्लास वगैरह रखने हो तो यहाँ पर आप आराम से रख सकते हो। और अब बात करें इसके इंटीरियर के बारे में, तो वो मैं आपको राइट साइड से दिखा दूंगा, बाकी आपके ड्राइवर की साइड वाली सीट से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो एक AC वेंट आपको क्रोमिक कलर में कुछ ग्लोजी ब्लैक कलर के आपको यहाँ पर AC वेंट मिलने वाले सर्कल साइड में, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और ज़्यादा गाड़ी तेज अपनी ऑफ रोडिंग पर चल रही हो तो यहाँ से आप इसको पकड़ के भी बैठ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा आपको यहाँ पर कैबिन मिलने वाला है, जो कि आप सामान वगैरह या गाड़ी के डॉक्यूमेंट वगैरह रखने हो, ठीक है। और यहाँ आपको एक स्पीकर आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो जो इसका इंटीरियर है वो आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। और जो इसका फ्रंट का डैशबोर्ड है वो आपको मैट ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का इस गाड़ी के अंदर अब आपको दिया गया है, ठीक है। और जो इसकी सीट है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। साथ ही बात करते हैं इसके लेग स्पेस के बारे में, तो लेग स्पेस भी काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिल जाता है। और जो उसकी सीट है वो आपको वाइट कलर की लेदरिंग में आपको काफ़ी बढ़िया सीट आपको मिलने वाली है, ठीक है, जो कि काफ़ी कुशनिंग है, आप आराम से बैठ भी सकते हो। और यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिल जाता है एक तरीके का।
और इसी के अंदर आपको एयरबैग भी गाड़ी के अंदर अब आपको मिलने वाले हैं। और सीट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आपको फीचर्स मिल जाता है, ठीक है गाइस। और आगे पीछे करने के लिए यहाँ से आपको सीट आगे पीछे करने के लिए आपको यहाँ से फीचर्स मिलने वाला, जो कि आप अपनी सीट को ऊपर करके आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये टॉप मॉडल नहीं है, वरना इसमें आपको यहीं पर ही एडजस्टेबल होता है ऑटोमेटिक वाला, तो ऐसा कुछ इसके अंदर आपको नहीं मिलता, इसके अंदर आपको मैनुअली मिलता है। अब बात करते हैं इसके राइड प्रोफाइल के बारे में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक मिरर मिल जाता है कार की बैजिंग के साथ। और जो इसकी ड्राइवर की सीट है वो कुछ इस तरीके की डोर आपको यहाँ पर मिलने वाली, काफ़ी बढ़िया, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो हैंडलिंग, मतलब एक तरह गेट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको की का स्विच मिल जाता है मैट ब्लैक कलर का, जिसे अपना ओपन करके आप आराम से यहाँ से खोल सकते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो थार की बैजिंग की स्ट्रिप आपको यहाँ पर मिलने वाली है ग्रेइश कलर की, मैट ब्लैक कलर का आपको इस तरीके का यहाँ पर आपको इंटीरियर मिल जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोमिश कलर का यहाँ पर आपको गेट ओपन और डोर ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको फीचर्स हैंडलिंग मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया, ठीक है सर। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का फीचर्स मिल जाता है, और जो कि आप अपना डोर लॉक कर सकते हो। यहाँ से भी आप काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, जिससे आप अपना मिरर सेट कर सकते हो अपना आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको लॉकिंग का फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके के दिए गए हैं। यहाँ पर भी सामान रख सकते हो आप, और यहाँ पर भी आपको कैबिन सा मिल जाता है छोटा, जिसमें आपको ग्लास वगैरह फाइल वगैरह पर्स कुछ आप रख सकते हो। और इसकी गाड़ी के अंदर आपको डोर्स के अंदर यहाँ पर स्पीकर वगैरह आपको नहीं मिलते, जो स्पीकर है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। जो टॉप मॉडल है उसके स्पीकर आपने देखे होंगे यहाँ पर भी आपको मिलते हैं, और यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको जो अपने मिड वेरियंट है तो उसके अंदर आपको स्पीकर वगैरह नहीं मिलते, मतलब कि एक तरीके की अपनी 4x2 है, तो इसमें आपको फीचर्स की कटौती मिलेगी। साथ ही आप देख सकते हो जो सीट है वो काफ़ी कुशनिंग और काफ़ी बढ़िया लेदरिंग के साथ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले, जो कि काफ़ी कम्फर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर आपको मैनुअली दिया गया, जो कि आप अपनी सीट आगे पीछे आप मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको नहीं मिलता, क्योंकि भाई ये टॉप मॉडल नहीं है, ठीक है। और ये अपना 4x2 मॉडल है इसलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको आगे पीछे करने के लिए यहाँ से आप मैनुअली एडजस्टेबल कर सकते हो। ये इस सीट को एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ से यहाँ पर स्विच मिल जाता है, जो कि आप अपने आगे पीछे आप सीट को एडजस्टेबल कर सकते हो, और यहाँ से भी सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। कुछ इस तरीके का फीचर्स आपको मेटल का मिलने वाला है, जैसे अपनी पुरानी गाड़ियों में आता था। और जो उसके पैडल है वो कुछ इस तरीके के आपको इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं अपने रेस और ब्रेक के, क्योंकि अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीकर आपको कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हेडलाइट का फीचर्स मिल जाता है, कुछ इस तरीके स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है, जो कि आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो यहाँ से आप अपना पकड़ के बैठ सकते हो, ठीक है। वैसे जो बाकी गाड़ी होती है उनके अंदर यहाँ पर आपको ये हैंडल नहीं मिलता, ठीक है। और खाली आपको तीन हैंडल मिलते हैं, जो कि अपने पीछे की दो सीट पे होता है और एक ड्राइवर वाली सीट, ड्राइवर के साइड वाली सीट पर होता है। इसके अंदर आपको चारों तरफ हैंडल मिलने वाले कुछ इस तरीके के। चलिए एक बार मैं बैठ कर आपको अंदर से इसका लुक एक बार दिखा देता हूँ। तो उसका जो स्टेयरिंग है वो कुछ इस तरीके का इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिलने वाला है, मैट ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के पर आपको मिलने वाले कंट्रोल करने के लिए, जिससे अपना फोन वगैरह और माइक वगैरह, ठीक है गाइस, फोन कॉल अटेंड कट यहीं से कर सकते हो आप अपना। जैसे अपना स्टेयरिंग है तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के क्रूज कंट्रोल का भी फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आपको वाइपर सेट करने के लिए फीचर्स आपको दिए गए, और लेफ्ट साइड के पैडल आपको मिल जाते हैं। राइट साइड के जो पैडल है वो भी आपको मैट ब्लैक कलर के कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, जैसे अपनी हेडलाइट और आपको इंडिकेटर के कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, जो कि आपको काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसके अंदर फुली डिजिटली इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको टाइम, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है, जिससे अपना नेविगेशन वगैरह सब कुछ आप आराम से देख सकते हो अपने स्क्रीन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी कुछ इस तरीके के एसी वेंट आपको मिलने वाले क्रोमिक कलर के, ग्लोजी ब्लैक कलर के अंदर, राउंड शेप के अंदर। और जो इसका डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके का इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला, काफ़ी मैट ब्लैक की फिनिशिंग के साथ, ठीक है, जो कि इसकी लुक को और भी इनहेंस बनाता है अंदर से। और बात करें इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी स्क्रीन कुछ इस तरीके की इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाली है, जिसमें आप अपना एंड्रॉयड प्लस एप्पल सब कुछ आप कनेक्ट करके चला सकते हो उसके अंदर, ठीक है। जिसमें आपको होम फीचर्स मिल जाता है, कॉल सब कुछ कनेक्ट, आप फोन से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो एक तरीके से। यहाँ पर भी आपको दो एसी वेंट आपको मिलने वाले कुछ इस तरीके के, और यहाँ पर भी आपको एसी वेंट एक आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हैंडल पकड़ने का मिल जाता है, जैसे भाई ज़्यादा तेज ऑफ रोडिंग चल रही हो तो अपना जो ड्राइवर के साइड वाला बंदा है वो आराम से बैठ के इसको पकड़ के बैठ जाए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो एसी कंट्रोलिंग के फीचर्स आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ भी यहाँ पर आपको जो कंट्रोलिंग फीचर्स आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको मिलने वाले, जो कि आप देख सकते हो साइड का फीचर्स आपको मिल जाता है, ड्राइव मोड मिल जाते हैं, ठीक है, और ऑन ऑफ के। साथ ही बात करते हैं इसके चार्जिंग पॉइंट के, तो यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जर प्लस टाइप सी चार्जर भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला फास्ट चार्जिंग के साथ, लेकिन इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता।
और साथ ही बात करें इसके ऑटोमेटिक गियर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑटोमेटिक गियर लीवर है वो कुछ इस तरीके का आपको इस बॉडी के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, कप वगैरह हटेगी। साथ ही बात करते हैं इसके हैंड ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पर आपको पार्किंग का एक फीचर्स आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, क्योंकि आप देख सकते हो जो हैंड ब्रेक होता है एक तरीके का, मैं इसको सोच रहा था कि सनरूफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक हैंड रेस्ट आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, जिससे भाई लेदरिंग का हैंड रेस्ट है काफी बढ़िया व्हाइट कलर का, और जिसमें आप अपना सामान वगैरह आराम से आप अपना रख सकते हो। ऊपर की तरफ देखे तो ये बैक मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक मिरर और एक वहां पर है और एक अपना यहाँ पर है, ठीक है। तीन मिरर आपको मिलने वाले अपने ड्राइवर के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है, जिससे भाई अपना सन वगैरह की ज्यादा चोंद आ रही हो तो अपना बंद कर दो, और मतलब इसको ओपन कर लो, अगर चोंद कम आ रही हो तो इसको अपना क्लोज कर दो। तो साथ ही यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है जिसके ऊपर आपको एक मिरर मिल जाता है, लड़की वड़की बैठी हो रेडी वगैरह होना तो आराम से वो रेडी हो सकती है, ठीक है। और स्पीकर्स आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, यहाँ भी आपको ट्विटर के मेरे ख्याल से एक तरीके से ट्विटर है ये, तो स्पीकर आपको ऊपर की तरफ दिए गए। मैंने तो पहली बार देखा भाई गाड़ी के अंदर यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको स्पीकर मिल जाते हैं, ठीक है। साथ ही बात करते हैं इसके सनरूफ के बारे में, जो की आप देख सकते हो जो सनरूफ है काफी बड़ा सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, जो की आप हाथ से भी क्लोज और बंद कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और जो उसके मिरर है ये भी आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ देख सकते हो आप यहाँ पर आपको लाइटिंग का फीचर्स आपको मिलने वाला है, और सनरूफ ओपन करने क्लोज करने के लिए यहाँ से आपको फीचर्स मिल जाता है, ठीक है। और लाइट का फीचर्स भी आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ इस तरीके का ओपन या क्लोज करना हो। और यहाँ पर आपको गूगल्स के लिए यहाँ पर अपने चश्मा वगैरह आप रख सकते हो, गूगल वगैरह, ठीक है, और चश्मा लगा के ही गाड़ी चलाएं, वैसे तो ये थार है। साथ ही बात करते हैं इसके बैक डोर के बारे में, जो कि यहाँ से आप अपना ओपन कर सकते हो, कहीं आप सोच रहे हो कि यहाँ से ओपन होगा तो यहाँ पर आपको फीचर्स वगैरह नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको रेडी शो कुछ लिंक मिल जाती है, जिससे आप अपना ओपन करके डोर को ओपन करके देख सकते हो। जो पीछे की स्किपिंग है वो भी आपको थार की बैजिंग के साथ कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको कैबिन सा मिल जाता है, छोटा सा फोन होल्डर एक तरीके का, और यहाँ पर आपको विंडो ओपन एंड क्लोज करने के लिए स्विच मिल जाता है, और यहाँ पर आपको डोर ओपन एंड क्लोज करने का क्रोमिक शो का यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है, ठीक है। छोटा सा कैबिन आपको बैक साइड में भी यहाँ पर मिलने वाला है, अपना ग्लास होल्डर और अपना सामान वगैरह कुछ रखना तो आराम से आप अपना रख सकते हो। तो साथ ही आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हैंडलिंग मिलने वाली है, बाकी गाड़ियों में देखा हुआ जो हैंडलिंग है यहाँ नहीं, यहाँ पर होती थी ऊपर की साइड, तो इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और आगे की तरफ ड्राइवर की साइड की सीट में भी आप देख सकते हो जो कि हैंडलिंग आपको ड्राइवर की साइड की सीट में भी आपको मिलने वाली है कुछ इस तरीके की। साथ ही बात करते हैं हम उसने रियर सीट के बारे में, जो कि रियर सीट है वो काफी कैसी है कैसी नहीं। अब आगे मैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आपको लेग स्पेस काफी ज्यादा इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। एसी वेंट आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जिसमें आपको टाइप सी का चार्ज मिल जाता है, कैबिन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप सामान वगैरह भी आराम से अपना रख सकते हो। और मैंने स्विच को डोर्स के बारे में बताई दिया, पीछे के जो डोर्स है वो कुछ इस तरीके के गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको लाइट मिल जाती है कुछ इस तरीके की, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, दोनों तरफ मिलती है आपको बैक सीट के पीछे, जो कि अपने राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी है। और यहाँ पर आपको इस तरीके का हैंडलिंग मिलने वाली है दोनों तरफ, तो जो उसकी हैंडलिंग है वो आपको चार हैंडलिंग इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है, ठीक है। और आराम से इसमें आपको गाड़ी के अंदर आराम से पीछे की तरफ तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं, और अगर दो बैठ रहे हैं अगर पार्टी वगैरह करनी हो तो भाई इसको खोल सकते हो, अपना गिलास वगैरह रख सकते हो, आराम से अपना पार्टी वगैरह पीछे बैठ के बंदे कर सकते हैं, और काफी बढ़िया है। और इसको बंद करके तीन बंदे बिठाना तो तीन बंदे आराम से पीछे की तरफ बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट भी आपको तीन तीन मिलने वाले इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके कैबिन के बारे में, जो इसका पीछे की तरफ बूट स्पेस है उसके बारे में करते हैं अब हम बात। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हो जो मिरर है वो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर मिलने वाली है, कुछ ब्लैकिश कलर की बॉर्डरिंग के साथ, जो कि आपको यहाँ पर छोटी सी थार पहाड़ों पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और साथ ही देख सकते हो जो बैक का लुक है वो इसका ब्लैक एंड रेडिश कलर का आपको कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का आपको मिलने वाला है। और बात करते हैं इसके पीछे के टायर के बारे में, जहाँ पर आपको नहीं है एक तरीके की, वो आपको यहाँ पर विद कवर आपको मिल जाती है, जिसके ऊपर थार रॉक्स की बैजिंग आपको मिलने वाली है, जो कि ग्रे एंड ब्लैकिश कलर की आपको थार रॉक्स की बैजिंग के साथ आपको स्टेपनी के ऊपर कवर मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं इसके पीछे की जो स्टेपनी है उसके बारे में बात, जो कि आपको यहाँ पर अलॉय के साथ नहीं मिलती, जो अपने नॉर्मल व्हील आते हैं वैसे व्हील आपको इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाले सेम साइज के साथ, जो कि 18 इंच के साथ आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो आपको टायर है वो आपको 255/65 R18 के ही आपको पीछे के टायर मिलने वाले ट्यूबलेस टायर के साथ ही आपको स्टेपनी इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं इसकी टेल लाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक टेल लाइट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है और इस गाड़ी के अंदर। और साथ ही बात करते हैं अपनी बैक लाइट के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको DRL लाइट्स मिल जाती है कुछ इस तरीके की, ठीक है। और LED DRL लाइट्स
अंदर मिलने वाली है, और एलईडी ही आपको इंडिकेटर इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। लाइट भी आपको सब कुछ एलईडी इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो जो बैक फेंडर है वो कुछ इस तरीके का आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, जो कि प्लास्टिक फाइबर का इस बाइक गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का दिया गया है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है, और पीछे का जो यहाँ पर भी अब जो बैक फेंडर है जिसके ऊपर नंबर प्लेट लगेगी वो कुछ इस तरीके का ग्रेइश कलर का गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है, वो भी हार्ड फाइबर प्लास्टिक के साथ। एक बार मैं इसका आपको बैक का स्पेस दिखा देता हूँ, बैक का स्पेस कितना ज़्यादा इसमें आपको अब मिलने वाला है। ठीक है, डोर कर देते ओपन तो यहाँ से कुछ हैंडलिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको की का लॉक का भी मिल जाता है फीचर्स, और डोर ओपन करते हैं हम, यहाँ पर अंदर से भी आप डोर ओपन कर सकते हो, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको डोर का फीचर्स आपको जो ओपन हो जाती है। पीछे की जो डोर है फाइव डोर है, मतलब जो पांचवी हमारी डोर है वो कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है ओपन होने के बाद, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के मैट ब्लैक कलर के ग्रेज कलर के कुछ इस तरीके के आपको फीचर्स आपको मिलने वाला है। हैंडल मिलने वाला है जो कि अनलॉक एंड अनलॉक होता है, और हैंडल से आप अपना ओपन कर सकते हो। और जो बूट स्पेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है वो किस तरीके का लगेगा। और यहाँ पर आपको टूल किट मिल जाती है, पेंटर टूल किट, जो उसका मिरर है वो आप देख सकते हो। पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर वाइपर मिल जाता है, प्रीमियम वाइपर आपको इस गाड़ी के अंदर आप मिलने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसको भी कर देते हैं हम ओपन, तो यहाँ पर अपने आप ये थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ओपन हो जाता है। और साथ ही आप देख सकते हो जो उसका बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। एक तरीके से मतलब इसके अंदर आपको यहाँ पर भी आप सीट लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट, अगर आपको सेवन सीटर ये गाड़ी बनानी तो आराम से आप बनवा सकते हो। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारा बूट स्पेस है, दो तीन अटैची तो आराम से दो इधर आ जाएगी, दो इधर आ जाएगी, चार अटैची आराम से इसमें बड़ी बड़ी आप आराम से फिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप अपना थोड़ा बहुत सामान अपना अटका लगाना हो तो लगा सकते हो। और 12 वोल्ट का चार्जर आपको कुछ इस तरीके का बैक साइड में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कुछ सामान वगैरह आपको पार्टी वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पर लगा के तार और अपना बाहर सामान रख के अपना पार्टी वगैरह भी कर सकते हो। वापस कर देते हैं अब इसको हम बंद। साथ ही बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, जो कि आपको 2183 सीसी का फोर सिलेंडर इंजन इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, जो कि आपको डीजल इंजन मिलता है। और साथ ही बात करते हैं इसकी पावर के बारे में, जो कि आपको 150 bhp पावर 3750 rpm पे अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाली है। और साथ ही बात करते हैं इसके न्यूटन टॉर्क के बारे में, जो कि आपको 330 न्यूटन टॉर्क आपको 1500 to 3000 rpm पे इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिल जाता है। ठीक है गाइस, और साथ ही आप देख सकते हो जो इसका फ्यूल पंप है एक तरीके जहाँ पर हम फ्यूल डलवाते हैं, तो यहाँ से आप अपना ओपन करके जो उसका फ्यूल टैंक है वो आपको 57 लीटर का आपको डीजल फ्यूल टैंक आपको मिलने वाला है, और पेट्रोल पे या तो 57 लीटर के आपको पेट्रोल फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिल जाता है, जो कि माइलेज देने वाला है आपको। जो इसकी गाड़ी के अंदर आपको माइलेज मिल जाती है वो मिलती है आपको 15.2 किलोमीटर पर लीटर की आपको इस गाड़ी के अंदर अब आपको माइलेज मिलने वाली है। और इसके अंदर जो इंजन है वो आपको BS6 2.0 का आपको इसके गाड़ी के अंदर आपको इंजन मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं हम लास्ट में इसके प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि आपको 18,99,000 रुपीज की आपको ये एक्शोरूम इंडिया के अंदर गाड़ी मिलने वाली है। साथ ही बात करते हैं हम इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, जो कि आपको 23,33,998 रुपीज की आपको ऑन रोड दिल्ली के अंदर ये गाड़ी अब आपको मिलने वाली है। ठीक है, जिस किसी को भी अपनी महिंद्रा की थार रॉक्स बुक्स करवानी हो और किसी को लेनी हो, तो अपने जो भी ये वीडियो अपनी दिल्ली से देख रहा है, तो जिस किसी को भी ये गाड़ी लेनी हो अपने महिंद्रा के शोरूम में आके अपना ले सकते हैं, जो कि है अपना द्वारका राजापुरी के अंदर। ठीक है, और जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस वगैरह और कॉल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो और बुक करवा सकते हो और आप आके विजिट भी करके ले सकते हो। ठीक है गाइस, ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी महिंद्रा थार रॉक्स टू व्हील ड्राइव AX5 लग्जरी के बारे में, जिसके बारे में आज आपको बताया। होप्स आप सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, स्कूटर, स्कूटी के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।